हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेटा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। तो कैसे करते हैं हम एक कैलकुलेशन? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है। मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या है, क्या होती है एक यूनिट सेल की लेंथ। तो पहले यूनिट सेल बना लो। ये बनाया हमने यूनिट सेल, इसकी लंबाई कितनी है? ए ए सेंटीमीटर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ये डिपेंड करता है बेटा कौन सा यूनिट सेल है। तो इसको हम मान रहे हैं जेड, बिल्कुल। मास ऑफ वन एटम, ये क्या होता है? ये एम ना, स्मॉल एम। और एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर एन नॉट, इसी की वैल्यू होती है 6.022 × 10²। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम कैपिटल एम। तो हमें जो करना है वो ये करना है, हम क्या जानते हैं घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मास कैसे आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम, तो है ही ए क्यूब। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो जेड है, मास ऑफ वन एटम स्मॉल एम अपॉन ए क्यूब। और पिछली साल हमने पढ़ा था मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तभी मास निकलेगा। ये रख दो यहाँ पे एम की जगह, तो हो जाएगा जेड एम अपॉन ए क्यूब एन नॉट। तो बेटा यही होता है घनत्व, डेंसिटी। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यही है बेटा डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। क्या हो गया ये देखो, ये हो गया बेटा जेड एम अपॉन ए क्यूब एन नॉट, जेड एम अपॉन ए क्यूब एन नॉट। ये आ गया। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल इज क्यूबिक, के क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है जिसकी लेंथ दी है 2 × 10⁸। सॉल्यूशन देखो, गिवन लिखते जाओ क्वेश्चन से। ए इज इक्वल टू क्या दे दिया? 2 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। जेड यहाँ पे क्यूबिक बोला, सिंपल क्यूबिक यानी के जेड इक्वल टू वन। उसके बाद इसमें बोला कि 200 सेंटीमीटर क्यूब मेटल में डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी दे दी तुम्हें 2.5। 200 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालिए, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल बेटा किसी से भी डिनोट नहीं करते, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है हमें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, क्या आएगा? ए क्यूब 2 × 10⁻¹ का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, 10⁻¹ का क्यूब −24 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम। डेंसिटी दी है बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, कोई बात नहीं।
ये तो हमारा वॉल्यूम है। ओके, अब हमें देखना है कि हमें जो निकालना है मेन वो चीज़ देखनी है। पहले हमें डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम स्मॉल m। तो मास ऑफ यूनिट सेल निकल आएगा, एक सेल का मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये निकल आएगा यहाँ पे? नहीं, ये सिर्फ एक यूनिट सेल का है, वहाँ पे हमें यूनिट सेल की डेंसिटी दी है। तो तुम्हें क्या निकालना है बेटा? तुम्हें निकालना है वॉल्यूम ऑफ बेटा, यहाँ पे 200 ग्राम है क्वेश्चन में, 200 ग्राम मेटल में। तो मैं बोलूँ के 8 × 10⁻²⁴ कितना? एक का थोड़ी है बेटा, ये 200 सेंटीमीटर, 200 ग्राम धातु का आयतन निकालना है हमें। ये यूनिट सेल का आयतन है 200 ग्राम का, 200 ग्राम मेटल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना बोला उसने? 200 ग्राम बोला है। डेंसिटी 250, डिवाइड कर दो तो ये डिवाइड करने पे आएगा बेटा 80 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, ये आ गया तुम्हारा 80 सेंटीमीटर क्यूब, 200 ग्राम मेटल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम मेटल, वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम मेटल। अब तुम्हें क्या निकालना है? 80 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, यानी 80 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। टोटल आयतन कितना है? टोटल इतना है, टोटल कितना है? 200 ग्राम में इतना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इतना है। और एक सेल का, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? इतना है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल आएंगे ना। एक का ये है, टोटल ये है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अस्सी अपॉन 8 × 10⁻²⁴, 10 बार −24 ऊपर गया, 10⁵। यह है नंबर ऑफ यूनिट सेल, इतने यूनिट सेल हैं 200 ग्राम मेटल में। आंसर, नंबर नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो दिस इज आंसर। तो ऐसे होंगे बेटा क्वेश्चन, सिंपल है, हमें ये करने हैं।